प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सब कुछ जय मसीह की। आज मैं बात करूंगी बिब्लिकल साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। बाइबल सिर्फ हिस्टोरिकली या आर्कियोलॉजिकली राइट नहीं है बल्कि साइंटिफिकली भी राइट है। साइंस और बाइबल दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। मैं बहुत ऐसे फैक्ट्स बयान करूंगी तो ये प्रूव करते हैं कि बाइबल के अंदर जो मेंशन किया हजारों साल पहले वो आज साइंस को पता चल रहा है। मतलब वो सारी बातें जो बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई साइंटिस्ट को 19 या 20 सेंचुरी में पता चला। खुदावंद का वचन साइंस के या क्रिश्चियन साइंटिस्ट के खिलाफ नहीं है, ना ही मैं पर्सनली साइंस या साइंटिस्ट के खिलाफ हूँ। आई रियली लव साइंस। साइंस की वजह से आज हम इस दुनिया में इतनी तरक्की देखते हैं कि जहाँ पर वो खुदावंद को इनाय कर देते हैं उन चीजों को मैं एक्सेप्ट नहीं करती। साइंटिस्ट भी बहुत तरह के होते हैं, सब साइंटिस्ट एथियस्ट नहीं होते। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं जो साइंटिस्ट है वो एथियस्ट है, ये बिल्कुल सच नहीं है। बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जो क्रिश्चियंस हैं। अगर साइंस की हिस्ट्री को देखो तो उसमें हजारों के हिसाब से ऐसे क्रिश्चियन साइंटिस्ट आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा साइंस वर्ल्ड में काम किया है, बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया है और इस वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं। आज भी बहुत ऐसे साइंटिस्ट है जो बिलीव करते हैं आ में बाइबल में। आज भी चर्चेस में जाकर सारी बातों को शेयर करते हैं, बाइबल को कंपेयर करते हैं साइंस के साथ, प्रूव करते हैं कि बाइबल राइट है साइंटिफिकली। वो बहुत हैरान इस बात से, बहुत सारी चीजें जो आज के साइंटिस्ट ढूंढ रहे बाइबल में उस टाइम में लिखी गई, साइंस का नाम निशान भी नहीं था। उनका कहना है ट्रू साइंटिस्ट अभी भी खुदा को और बाइबल को इग्नोर कर ही नहीं सकता क्योंकि बाइबल के अंदर लिखी हुई बात साइंटिफिकली राइट है, एग्जैक्टली वैसे है जैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। उनका कहना है कि बाइबल के पीछे खुदावन के अलावा और किसी का हाथ नहीं हो सकता। आज भी आपको बहुत ऐसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्रिश्चियन साइंटिस्ट मिले जैसे विलियम डी फिलिप्स को 1997 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, और फिर फेमस साइंटिस्ट फ्रांसिस कॉलिंस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। ये भी सच है कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं जिनका कहना है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप खुदावन की बात करते हैं तो का मतलब ये नहीं कि वो बाइबल के खुदा की बात करते हैं। उनका किसी भी तरह के धर्म और गॉड के अंदर कोई विश्वास नहीं है। उनके मुताबिक खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता और जो भी रिलीजियन किताबें लिखी गई हैं वो सिर्फ ह्यूमन की सोच से या माइंड से लिखी गई हैं। उनके मुताबिक सालों साल तब इंसान इतना अवेक नहीं था, इतना जागरूक नहीं था और उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी। एंशिएंट टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन और सिविलाइजेशन बढ़ती गई उनके गॉड्स भी बढ़ते गए। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसने अपने ही तरीके के अलग अलग रास्ते चुन लिए। अगर वो गॉड्स बनाने की बात करते तो कुछ हद तक वो ठीक भी है क्योंकि हिस्ट्री में अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे गॉड्स हैं दुनिया के जिनको बाइबल भी फॉल्स कहते हैं। वो इंसानों के बनाए हुए गॉड्स हैं, अंधविश्वासों से लिखी हुई किताबें हैं। सारी चीजों की वजह से सारे ऐसे एथियस्ट सारी बातों को डिफरेंशिएट नहीं करते कि उन्होंने सच और झूठ दोनों को एक ही आंख से देखा। आम धर्मों की स्टडी के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला ये सब झूठ है और इंसानों के बनाए हुए। एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है इसके अंदर, शैतान ने उनको डाला है, इसलिए वो ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तो आपको बहुत छोटा सा एक शॉर्टकट उनकी थॉट्स शेयर कर रही हूं। एक्चुअली में इसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख छोड़ी है जिसमें उन्होंने ये प्रूव कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। 9/11 के हादसे के बाद ये एथियस्ट काफी अग्रेसिव हो गए ये प्रूव करने के लिए कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी वजह से वो सिर्फ खुदा के खिलाफ ही नहीं बल्कि बाइबल के खिलाफ भी हो गए क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते कि बाइबल के अंदर जो कुछ भी लिखा गया राइट नहीं है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो साइंस एक्सप्लोडेड 16th और 17th सेंचुरी में, मतलब तब से ये ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए क्योंकि लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। हाउ व्हेन व्हाई व्हाट, ऐसा कैसे हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। लोगों ने खुदावंत के ऊपर भरोसा रखने के बजाय इंसानों की नॉलेज में ज्यादा भरोसा रखा क्योंकि साइंटिस्ट नेचर की स्टडी करते हैं कि नेचर के पीछे जो गॉड है जिसने उसे डिजाइन किया है वो उसकी स्टडी नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उन्होंने ये ढूंढ लिया कि रेनबो कैसे बनती तो उन्होंने ये कहना है कि ये 7 रंगों के मिश्रण से बनती, ये कोई खुदा ने थोड़ा बनाई है। जैसे लोग कहते हैं बारिश कैसे होती है, उनका आंसर नहीं, वेपोरेट होता है और एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाता है और हैवी क्लाउड होने की बारिश होती है। इस तरह से वो डिफरेंट रीजन देते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ऐसा ही खुदा ने उनको डिजाइन किया और ये यूनिवर्स उसकी मर्जी से चल रहा है। हर चीज तो इस नेचर के अंदर खुदा ने डिजाइन की है, उसकी मर्जी से खड़ी है। हर चीज का एक पर्पस है, जमीन आसमान बारिश चांद और ये धरती उसकी मर्जी से खड़ी है। ये सब बाइबल हमें बताती है, ना की वजह से नेचर के ऊपर फैक्ट जरूर पढ़ा है। आपको भी खुदा ने टाइम दिया तो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। ये यूनिवर्स खुदावंद की मर्जी से चलता है, उसी ने इसे डिजाइन किया है। इसे एवोल्यूशनिस्ट कभी नहीं समझ सकते जब तक खुदावंद के पास ना आए। यहाँ से इस बात को समझे, हाईली एजुकेटेड लोगों को खुदा ने किस तरह से मूर्ख बनाया और डिसीव किया है, वो एक डिसेप्शन में है कि बाइबल ये कहती है
मूर्ख अपने दिल में ये कहता है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। शैतान ओल्ड क्लेवर सर्पेंट है जो हर उस इंसान को डिसीव करता है जो खुदा के हुक्मों पर नहीं चलता और अपने आप को हम्बल नहीं करता खुदा के सामने, माफी नहीं मांगता यीशु से, वो इंसान डिसेप्शन में रह रहा है। बाइबल को समझना कोई आसान नहीं है। अगर समझ की बात की जाए इसे वो इंसान भी समझ सकता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो इसे समझ नहीं सकते, उनके ऊपर से गुजर जाती है। इस वजह से आज के बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जो एथियस्ट हैं, जो बिलीव नहीं करते कि खुदा एग्जिस्ट करता है। बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो हजारों साल पहले बोली गई, उसके नबियों ने लिखी, जो खुदा ने उनको बताया, तो साइंस से रिलेटेड है, वो कोई दूसरी किताब में नहीं मिलेंगी। मुझे पता है बहुत ऐसी किताबें जो ये प्रूव करने की कोशिश करती है, लेकिन नॉट लाइक बाइबल। बाइबल ज्ञान का सोर्स है, ये बताती है अगर तुमने यूनिवर्स को जानना है, इस दुनिया को समझना है, तो मुझे पढ़ो, कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में मैं उन सारी बातों का जिक्र करूंगी जो ये प्रूव करते हैं बाइबल साइंटिफिकली 100% राइट है। आपके सामने जॉब मतलब अय्यूब 38:16, क्या तू कभी समुन्दर के सोतों तक पहुंचा है या गहरे सागर की थाम में कभी चला फिरा है? इंग्लिश में Have you entered into the springs of the sea, walked in the recesses of the deep? इसमें एक वर्ड आया है स्प्रिंग्स या सोते। यहाँ पे अय्यूब नबी अपनी किताब में ये बता रहे हैं कि समुन्दर के अंदर भी स्प्रिंग्स होते हैं, सोते होते हैं पानी के। इसमें हमने ये पढ़ा है कि खुदा अय्यूब से बात कर रहा है, वो उन स्प्रिंग्स या सोतों की बात कर रहा है जो समुन्दर के अंदर है। मतलब आयत के मुताबिक समुन्दर के अंदर पानी के सोते होते हैं। पुराने टाइम के साइंटिस्ट ने बातों का मजाक उड़ाया कि ऐसे कैसे हो सकता है समुन्दर की तह के अंदर पानी के सोते हों, क्योंकि इससे पहले इस बात का साइंटिस्ट को पता चलता उनका ये कहना था जितनी दुनिया भर में नदियां और रिवर्स हैं वो सारे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समुन्दर के अंदर इकट्ठे होते, मतलब उनका पानी समुन्दर में आकर गिरता है। लेकिन 1970 में साइंटिस्ट ने डीप रिसर्च के लिए स्पेशल सबमरीन को डिजाइन किया, क्योंकि ओशन के अंदर बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पर इतना हैवी करंट है ह्यूमन या किसी भी शिप का सर्वाइव नहीं हो सकता। उन्होंने स्पेशल सबमरीन को डिजाइन किया तो इस तरह के करंट में भी जाए तो वो टूटे ना। तो इस रिसर्च के दौरान उन्होंने ये देखा कि समुद्र की सतह पे तो उसका बहुत गहरा पार्ट है, वहाँ पर चश्मे थे फ्रेश पानी के। देखकर हैरान हो गए, समुद्र का पानी जो इतना नमकीन होता है जिसे इंसान पी नहीं सकता, और इसी समुद्र के गहरी सतह में इतने बड़े बड़े फ्रेश वाटर के चश्मे थे, और ये उनकी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन अय्यूब नबी जिसने इन चश्मों का हजारों साल पहले बाइबल के अंदर जिक्र कर दिया, अय्यूब नबी कोई समुंदर में तो नहीं गया, और वो उस टाइम में जा भी नहीं सकता था क्योंकि तब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उसको कैसे पता चला कि ये सोते समुंदर की गहराई में हैं, थाउजेंड्स माइल्स डीप ये चश्मे पाए गए हैं समुंदर की सतह में, आम इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता, तब उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना हो। अय्यूब को ये सारी बातें खुदा से पता चली जिन्हें उन्होंने बाइबल में लिखा, से साइंस ने आज मॉडर्न टाइम में मतलब 19th century में ढूंढा। जब तक ये साइंटिस्ट ने इन चश्मों को नहीं ढूंढा था, से पहले इन्होंने इन्हीं आयतों का कहकर मजाक उड़ाया कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये इतने गहरे समुंदर के नमकीन पानी में चश्मे हों। लेकिन इन चश्मों को देखने के बाद के सारे क्लेम फेल हो गए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया के लोग चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो और बाइबल के खिलाफ बोलते हो और हमारे पास आंसर हो या ना हो, हमें उनके पीछे चलने की जरूरत नहीं, ना ही हमें उन्हें फॉलो करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर जस्ट ए ह्यूमन नॉट गॉड। ये उनके दिमागों की उपज है, उनके दिमागों को फॉलो करने की जरूरत नहीं बल्कि बाइबल को फॉलो करने की जरूरत है। अगर वो बाइबल को गलत कहते हैं इट मीन दे आर रॉन्ग। एक फैक्ट मैं और आपके साथ शेयर करूंगी, उससे पहले मैं बंद करूँ। मेरा पढ़े योना 2:6, उसमें ऐसा लिखा है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। तो इसमें योना नबी खुदा से बातें कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। क्यों? शायद आप में से बहुत लोग इस स्टोरी को नहीं जानते, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। योना नबी ने जिसने कहना नहीं माना खुदा का, जिसकी वजह से वो समुन्दर में एक बड़ी मछली के पेट में रहा, मतलब एक बहुत बड़ी मछली ने उसे स्वॉलो कर लिया, और वो 3 दिन तक उस मछली के पेट में रहा। लेकिन जब वो दुहाई देने लगा खुदा से तो वो बाहर आ गया।
कंप्लीट स्टोरी डिटेल में आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। लेकिन अपनी बातों के दौरान जो वो खुदा से कर रहा था, वो ये कह रहा है कि मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, जबकि योना नबी तो समुंदर के अंदर था, एक मच्छी के पेट में, तो पहाड़ कहां से आ गए? सोचने वाली बात है। ये सेम बातों पर बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाए। से साइंटिस्ट ने जो एथियस्ट थे, उन्होंने मजाक उड़ाया, ये पहाड़ समुंदर में कहां आ गए। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, पैसिफिक ओशन में 30,000 माउंटेन है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 1,00,000 से भी ज्यादा माउंटेन, मतलब पर्वत, समुंदर के अंदर है। कुछ ऐसे माउंटेन हैं जो 30 to 80 feet हाई है, मतलब कुछ ऐसे उसके अंदर पर्वत है, पहाड़ है, जो 30 to 80 feet की ऊंचाई के हैं। जब इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि इतने बड़े बड़े पर्वत समुंदर के अंदर हैं, तो इन सारी डिस्कवरीज को न्यूज में, अखबारों में, मैगजीन्स में दिया गया। बहुत सारे ऐसे एथियस्ट साइंटिस्ट खुदावंद के वचनों का साक उड़ाते थे, कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब समुंदर में कोई माउंटेन्स नहीं, सबकी बातें फेल हो गई। और ये कितनी बड़ी बात है कि वो किस तरह से क्लेम करते थे। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, योना और उसकी लिखी हुई बातें सिर्फ राइट नहीं, कि होल बाइबल राइट है। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, योना की कहानी राइट जो है सो है, उसके साथ खुदा ने उसको आज के लिए भी इस्तेमाल किया, का साइंटिस्ट बना दिया। नीचे जाकर समुंदर से इतनी बड़ी खबर लेकर आया, ही वाज एंशिएंट साइंटिस्ट। सालों साल ये बात कभी किसी को पता ही नहीं, इन चीजों को आज मॉडर्न टाइम के साइंटिस्ट ने ढूंढा। और ये सारी डिस्कवरीज जो इन्होंने समुद्र की तह में बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई, दाने जा तो उनको गुजारा, ये सारी बातें समझाई, फिर उनको वैसे ही बताया। वो सारी बातें जो खुदा अपने लोगों को देता बाइबल में लिखी, तो आम किसी को समझ नहीं आ सकता, खुदा उनके ऊपर रिवील ना कर। इंसानों ने अपने ज्ञान के साथ ढूंढ लिया, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी कनेक्टेड बातें हैं, कभी नहीं ढूंढ सकता। का वचन बाइबल है, कुछ इसके अंदर हजारों साल पहले लिखा गया, आज प्रूव हुई है। अगर आप इनको डीपली सोचे तो ये छोटी सी बातें नहीं है, को कहीं भी किसी और किताब में नहीं मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखें, हमारे पास आंसर हो या ना, दूसरे लोग बाइबल को गलत कहते हैं, हमें उनकी सुनने की जरूरत नहीं। खुदा उनका कलाम हमेशा राइट है और कभी फेल नहीं होता। कह दिया है, इट मीन वो है, इंसानों पर नहीं के खुदावंत पर, और खुदावंत के वचनों पर बिलीव करने की जरूरत। जो डिजाइन हुई खुदावंत की रूह से कोई बदल नहीं सकता, ना ही कोई उसे डिस्टॉर्ट कर सकता है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।